मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम नबी है, उनके पास में फरिश्ता आया और कहा कि आपके रूह को कब्ज़ करनी है। हमें गुस्से में आ गए, गुस्से में आकर के एक घूंसा मारा मौत के फरिश्ते को और उसके एक आँख को फोड़ दिया। वो मौत का फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में गया और जाने के बाद में कहा कि अल्लाह तूने कैसे इंसान के पास में मुझे भेज दिया कि मेरे आँख को फोड़ दिया उसने। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहला भेजा, उस फरिश्ते से कहा कि जाओ मूसा के पास में और जाकर के कहो कि अगर तुम जिंदगी चाहते हो, अभी तुम ज़्यादा दिन तक दुनिया में रहना चाहते हो, एक काम करो, एक बैल के ऊपर अपने एक हाथ या दो हाथ रखो और आपके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे इतनी ज़िंदगी तुम्हें मिल जाएगी। फरिश्ता आता है और आने के बाद में अल्लाह का पैगाम मूसा अलैहिस्सलाम को पहुंचाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मैं हाथ तो रख दूं और जितने मेरे हाथ के नीचे बाल आ जाएं इतनी ज़िंदगी मिल जाएगी, उसके बाद क्या होगा? फरिश्ते ने कहा कि उसके बाद फिर भी मौत आएगी। कहा अव्वल का अंजाम भी मौत है और आखिर का अंजाम भी मौत है, फिर मैं इसी वक्त में अल्लाह तबारक व तआला के पास क्यों ना चला जाऊँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी रूह को कब्ज़ करने के बाद मैं बैतुल मक़दिस के अंदर मेरे कब्र को बना देना। नबी पैगंबर अल्लाह की पकड़ से नहीं रुक पाए, इसीलिए फरमाया गया फातबिरू या उलिल अबसार, ए अकलमंदो इबरत हासिल करो, इबरत हासिल करो।